तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मामा क्या बोलूं मां? नहीं नहीं टप्पू के पापा से कोई लड़ाई नहीं हुई है। वो क्या बताऊं माँ, वो भोगी है ना, वो 3-4 दिन के लिए हाथी भाई के यहाँ रहने चला गया है। तो उसकी इतनी आदत हो गई है ना कि जब वो घर में था ना तो पूरा दिन भाग दौड़ चिल्लम चाली। अभी है नहीं तो बहुत सुना सुना लग रहा है माँ। नहीं नहीं माँ, वो गोली है ना वो उसे लेकर गया। हाँ वो भी है, वो सोसाइटी में ही है ना। हाँ वो तो है। नहीं, मुझे बापूजी के लिए चाय बनानी है। बाय। बापूजी चाय। म्याऊ। बापूजी मियाओ मियाओ क्यों कर रहे हैं? हृदया चाय ला जरा। चाय लाना मत, ऐसा बोल रहा था क्योंकि पहले मैं नहाऊंगा बाद में चाय पीऊंगा। बापूजी सॉरी, आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। मतलब आज भी उठने में थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। लगता है बापूजी नाराज है। सॉरी बापूजी। बापूजी ऐसे भी क्या नाराजगी, कुछ तो बोलिए। मियाँ। अरे मैंने अभी बापूजी को चाय दी ना तो अभी भी बापूजी ने मियाँ किया। बापूजी मियाँ मतलब मियाँ। दया तूने एक बात गौर की? कौन सी? बापूजी जब भी अखबार पढ़ते हैं ऐसे पूरा अखबार खोल के कभी नहीं पढ़ते, वो तो हमेशा वो टाइपराइटर की तरह पढ़ते हैं ना ऐसे। अरे हाँ, और बापूजी जब भी अखबार पढ़ते हैं तो ऐसे सोफे पर पलाठे वार के नहीं बैठते। उंगलियां भी कुछ अलग लग रही है। तो कौन बापूजी बनकर बैठा है? तू भी साथ चल। साथी हूँ। टप्पू, ये क्या तरीका है मस्ती करने का? टप्पू की तरफ उसके भाई जा रहे हैं, लेकिन टप्पू उनको हम फरा है। लगता नहीं है कि टप्पू को वो पकड़ पाएंगे। मुझे लगता है कि ये और सच हो गया। टप्पू अपने पापा को बेवकूफ बनाकर चला गया। मैंने सच कहा था दोस्तों। और अभी हालत देखकर लग रहा है कि कॉमन ट्रैक्टर को डांट पड़ने वाली है, इसलिए कॉमन ट्रैक्टर मैं छोड़कर भाग रही है। कभी कभी समझ में नहीं आता टप्पू और दया में से छोटा कौन है। रुक रुक, क्रिकेट खेलता हूँ। अरे यार मैं तो भूल ही गया के बैट टूट गया है, अब नया बैट लेना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सीजन बैट लेता हूँ, बार बार टूटेगा भी नहीं। लेकिन सीजन बैट तो महंगा आता है।
ये हर्ष ने कितने का बैट लिया था? 4,980। हाँ वही बैट लेता हूँ। नहीं, लेकिन नया बैट लेने के लिए पापा को पटाना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली पापा के पास गया तो पापा मुझे बाउंड्री से बाहर कर देंगे। पापा को पटाने के लिए मम्मी को पटाना पड़ेगा, और मम्मी पापा को पटाएगी। यस मम्मी, 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 मम्मी। बोलो बेटा। मम्मी तुम कितना काम करती हो? मेरे दीक्षा को मम्मी की बहुत दया आ रही है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले बापूजी बनकर म्याओ म्याओ करके मस्ती कर रहा था, उसका क्या? मम्मी बात मत बदलो, तुम कितनी थक जाती होगी, अब तुम काम से फ्री हो जाओ। फ्री? अरे बेटा तो ये सब ये साफ सफाई का काम है, कपड़े धोने हैं, खेपले बनाने हैं, ये सब काम कौन करेगा? तुम्हारी बहू, मेरी शादी करवा दो। ना बाबा ना, मेरी बहू से मैं काम नहीं करवाने वाली हूँ, उसको तो राजकुमारी की तरह रखूंगी। तो ठीक है, शादी कैंसिल, अब ये सारा काम तुम्हारा बेटा करेगा। टप्पू क्या कर रहा है बेटा? अरे मम्मी लाओ, मैं साफ करता, देखो। अरे देखो, अरे बेटा फ्लैट है। अरे मम्मी ऐसे साफ करते हैं? मुझे दे दो, चलो। अरे मम्मी, मम्मी रुको, मैं साफ करूंगा। मम्मी तुम जाओ मम्मी, मैं साफ कर लूंगा मम्मी, डोंट वरी, मैं सब साफ कर दूंगा मम्मी, डोंट वरी। मम्मी तुम्हें क्या कर रही हो? टप्पू है ना, लाओ मैं करता, लो दो 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 मुझे दो। नहीं टप्पू, अरे रुको रुको मम्मी, मुझे करने दे बेटा। अरे रुको रुको मम्मी, अरे मम्मी टप्पू, अरे ये टप्पू भारत देश का नक्शा जैसा नहीं, दुनिया के नक्शे जैसा होना चाहिए। मतलब ऐसा ऐसा गोल होना चाहिए बेटा। तू बाजू में जा, बाजू में, नहीं, अरे नहीं, बाजू में जा। मम्मी मैं करता हूँ ना मम्मी, तू यहाँ खड़ा रह। चलो चलो चल, बोल क्या काम है? मम्मी तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कोई काम से आया हूँ? मैं कौन हूँ? दयाबेन जेठालाल कड़ा। अरे ऐसे नहीं बेटा, मैं तेरी कौन हूँ? मम्मी। बराबर, तो जैसे नाक को खुशबू का पता चल जाता है, ठीक वैसे ही माँ को अपने बेटे के मन में क्या चल रहा है उसका पता चल ही जाता है। चल चल जल्दी बोल, क्या बात है? मम्मी मुझे नया बैट लेना है। हाँ तो ले लेना, उसमें क्या। पर मम्मी पैसे। हाँ तो पैसे देकर ही लेना, इतने पैसे चाहिए। 50 रुपए प्लास्टिक के बैट से खेलोगे? नहीं कैसे लगेगा बेटा, और तुम्हें खेलने में मजा भी नहीं आएगा। नहीं मम्मी ध्यान से देखो। 500 रुपए ठीक है मैं दे दूंगी, चल। नहीं मम्मी, एक और जीरो। हाँ 5,000। 5,000 रुपए? नहीं नहीं मम्मी, 5,000 नहीं, 5,000 में 20 रुपए कम। सिर्फ 4,980 रुपए। 4,980 रुपए का बैट? हाँ मम्मी, सीजन बैट लेना है, और सीजन बैट की कीमत मिनिमम इतनी होती है। अब टप्पू क्रिकेट सीजन बैट से खेलेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। मम्मी सीजन बैट 10,000 के भी आते हैं, मैं तो 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, सिर्फ 5,000। और 5,000 क्या मम्मी, 5,000 में भी 20 रुपए कम, सिर्फ 4,980 रुपए। देख बेटा मैं 500 रुपए दे सकती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए। मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी प्लीज 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 मम्मी। देख बेटा 4,980 जितनी रकम के लिए छोटी बैंक तुम्हें मदद नहीं कर सकती बेटा, उसके लिए तो तुम्हें बड़ी बैंक के पास जाना पड़ेगा, तुम्हारे पापा के पास जाना पड़ेगा बेटा। पर मम्मी पापा इतने सारे पैसे नहीं देंगे। तो मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या क्या? तू बैट को भूल जा। नहीं नहीं मम्मी, नहीं 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 मम्मी, नहीं मम्मी प्लीज, तुम पापा को मनाओ ना। अरे बेटा मैं उनको कहूंगी ना तो भी वो नहीं मानेंगे दीक्षा। मम्मी प्लीज 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 मम्मी प्लीज प्लीज। बेटा ये सीजन बैट की कीमत बहुत ज्यादा है, और टप्पू टप्पू तू व्यापारी का बेटा है, बुद्धि दड़ाओ बेटा। देख
सीजन बैट सीजन चली जाए फिर खरीद, सस्ता पड़ेगा। मम्मी सीजन बैट की कीमत हर सीजन में सेम ही होती है। मम्मी चाहिए तो मुझे दिवाली तक पॉकेट मनी मत देना, नए कपड़े लाकर मत देना, फटाके लाकर मत देना, और तो और मेरा बर्थडे भी मत बनाना। बस 4980 एडजस्ट हो जाएंगे। मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज, मम्मी मम्मी पापा से बात करो ना मम्मी, प्लीज प्लीज मम्मी। मम्मी अपने बेटे के लिए तुम इतना भी नहीं करोगे? ठीक है मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। हाँ मेरे मियाँ। ओके मम्मी थैंक यू। रदया चाय ला जरा। आई देख तुम्हारे पापा ना धोकर तैयार भी हो गया। आई आई टप्पू देख तुम्हें बैट लेना है ना तो अब कोई शरारत मत करना कि तुम्हारे पापा गुस्सा हो जाए, वो खुश हो ऐसे ही रहना दिक्का। ओके मम्मी। आई 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 ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरणगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते। पापा आज से टप्पू की सारी शरारतें बंद, मैं आपके सारे अच्छे कार्य और आदतें सीखना चाहता हूँ। शाबाश शाबाश टप्पू शाबाश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आहा गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग टप्पू। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग आंटी। सॉरी सॉरी टप्पू अभी बोला इसलिए गलती से मुंह से निकल गया। बबीता जी सॉरी। टप्पू क्या कर रहा है तू? क्या क्या किया? मैंने क्या किया? तू घर में आ समझाता हूँ क्या किया तूने घर में। सॉरी सॉरी बबीता जी अब बुरा मत लगा ना। इट्स ओके okay. पिछले एक मिनट आप अपनी याददाश्त से निकाल ही दीजिए, भूल जाए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक काम करते नए से शुरू करते हैं, आप अंदर जाइए फिर से बाहर आइए, मैं आपको फिर से जैसे रोज बोलता हूँ ऐसा गुड मॉर्निंग बोलूंगा ठीक है? जाइए अंदर जाइए, मैं भी फिर से सूरत दादा को नमस्कार करता हूँ। जाइए। ए हाय इंद्राणी। है बोल। ये भगवान ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। कोई बात नहीं अभी बबीता जी बाहर आएंगे ना तो उनको मैं अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलूंगा फिर से जैसे हर रोज बोलता हूँ ऐसे, और कहूंगा अरे आप तो इतने जुआन लग रहे हैं कि आपको देख के किसी को लगेगा ही नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है। क्या जेठा भाई सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं, मेरी तो क्या मेरी लड़की की भी शादी हो गई है। इनको क्या हो गया? छोड़ो ये बबीता जी अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मुझसे नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उनके चेहरे के हाव भाव से भी ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा कि वो मुझसे नाराज हो गए। तो फिर बाहर क्यों नहीं आए अभी तक? हो सकता है कोई फोन बना गया हो सकता है। नहीं ऐसा ही हुआ होगा, हाँ फोन में ही बिजी हो गए होंगे। बाकी बबीता जी मुझसे नाराज हो ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं अभी बिजी है तो बाद में बात कर लूँगा, बाद में गुड मॉर्निंग बोल दूँगा। क्या बोल दूँ
उनको सुने तो दे गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। टप्पू, सॉरी सॉरी पापा सॉरी, लाइए मैं रख देता हूँ। मम्मी, टप्पू के पापा के लिए नाश्ता हाजिर हो। अच्छा, मैं डांटू नहीं इसलिए नौटंकी चालू कर दी। राजकुमार टप्पू के पापा, महाराजा टप्पू के पापा के लिए नाश्ता हाजिर है। ओ हो, नौटंकी में तो पूज्य मातुश्री भी शामिल है। अरे वाह, आज का दिन तो मुझे डायरी में लिख के रखना पड़ेगा। क्यों भला? अरे हमारे राजकुमार टप्पू जी आज सुधर जो गए हैं। हाँ, मुझे पता था टप्पू आज मस्ती करेगा लेकिन बाद में सुधर जाएगा। कैसे पता था? पापा आइए ना, नाश्ता करते करते बात कीजिए ना, थेपला ठंडा हो जाएगा। आइए आइए। तो महारानी दया देवी कुछ कह रहे थे। हाँ, आज मैंने राजकुमार टप्पू जी का राशि भविष्य पढ़ा था। अच्छा, तो हमारा राशि भविष्य नहीं पढ़ा? हाँ, पढ़ा ना महाराज। तो क्या है हमारे राशि भविष्य में, हमें भी जरा बताइए। यही कि महाराज आज अच्छे मूड में रहेंगे, हंसते रहेंगे, मस्त रहेंगे और अगर थोड़ा खर्चा करेंगे तो बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। समझ गया, माँ बेटे का आज कुछ खर्चा करवाने का प्लान है। एक काम करता हूँ, चाय नाश्ता दुकान जाके ही करता हूँ, वरना ये चाय नाश्ता बहुत महंगा पड़ेगा। चलो दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे अरे, फिर चाय नाश्ता तो करके जाएंगे। अरे दया, बिल्कुल टाइम नहीं, और तेरी भविष्यवाणी सुन के मुझे याद आया कि दुकान जाते जाते रास्ते में मुझे एक छोटा सा खर्चा करना है, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या? हाँ, क्या एक बहुत बड़ी डील हो जाए उसके लिए मैंने 51 रुपए की मन्नत मानी थी। तो क्या डील तो हो गई, लेकिन वो 51 रुपए चढ़ाना भूल गया। तो अभी अगर नहीं चढ़ाऊंगा तो भगवान नाराज होके कहीं वो डील कैंसिल ना कर दे, इसलिए जल्दी जाके चढ़ा देता हूँ। थैंक यू दया, थैंक यू। पापा पापा पापा, दो मिनट। बेटा अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। पापा एक मिनट तो सुनिए। बेटा मेरी एक एक मिनट कीमती है, यूं समझ ले मेरी एक मिनट 500 रुपए की है। पापा प्लीज। ना बोला ना टप्पू। दादाजी मुझे 1000 रुपए दीजिए ना। 1000? क्यों? मुझे पापा से 2 मिनट बात करनी है और पापा कह रहे कि उनके 1 मिनट का भाव 500 रुपए, तो मुझे 2 मिनट के 1000 रुपए देने पड़ेंगे ना। दोस्तों जेठालाल ने सोचा होगा कि टप्पू की फास्ट बॉल को वो प्लेट करके निकल जाएगा, लेकिन टप्पू ने ऐसी गुगली फेंकी है कि अब जेठालाल या तो क्लीन बोल्ड होंगे या कैच आउट होंगे। भाई जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, सास बहू के झगड़े में अगर पति बीच में पड़े तो फंस जाता है, पेरेंट्स अगर शिक्षक और स्टूडेंट्स के झगड़े के बीच में आए तो उनकी परेड हो जाती है, और यहाँ पे दादा और पोते के बीच में फंसने वाले हैं जेठालाल। और जैसा कि इतिहास गवाह है कि दादा ने आज तक पोते का ही साथ दिया है, तो अब चंपकलाल उस जेठालाल का क्या हाल करेंगे जो पैसे लेके बात करता है। अब सोच लीजिए, हाल यहाँ पे बड़े कमाल के होने वाले हैं, यानी कि कल आप अपने अपने घरों में फील्डिंग तैयार रखिएगा, क्योंकि हंसी के चौके छक्के बरसने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।